तुम पे भंगी घड़ा मोपे और ब्राह्मण गगरी और कैसे उठ पाऊ मेरी सब घड़ा तुम्हारे हाथ में एक भंगी की गागर, भला तुम्हारी गागर को छूने से मेरा धर्म चला जाएगा। और ना महाराज, आप उठाए पाओ चाहे मत उठाए पाओ जाओ, लेकिन हम तुम्हारा घड़ा उठवा नहीं सकती हूँ। अगर चाहते हो तो एक तुम्हें उपाय बता सकती हूँ, क्योंकि शरीर अगर कमजोर हो जाता है तो दिमाग भी कमजोर हो जाता है। तो आइए महाराज, हम तुम्हें कोई एक उपाय बताते हैं। तो हरिश्चंद्र बोले, उपाय अगर तुम बता रही हो तो ये क्या थोड़ा है, बताओ। तो कहा रानी ने, गहरे जल में घुस जाइयो और ताई पीठ सहारो पड़ियो। महाराज, जल के अंदर पहुंच जाओ, गागर भरो, कुछ सहारा तुम्हारा लगे, कुछ पानी का लगेगा तो घड़ा सर पे उठा करके रख लेना, अपने महाराज के पास चले जाओ। ऐसी बात कही हरिश्चंद्र, विचार करके जल के अंदर घुसे, गागर भरी, उठाई सर पे तो पहुंच गई। चले इधर, रानी तारा ने अपनी गागर पहले ही भर के रख ली और चल दी रानी तारा। और हरिश्चंद्र कुछ दूर तक निकले, गिर गए, घड़ा फूट गया। फूटा हुआ घड़ा उठाया, लेकर के पहुंचे अपने मालिक के पास में। हुआ क्या महाराज, आज दशा कौन सी है, एक राजा भिखारी बन गया और जा करके जैसे ही फूटा घड़ा दिया तो कालू नाम का मेहतर समझा करके बोला, हरिया तू एक राजा था और मेरे यहां पर तूने नौकरी पाई, तूने क्या मुझे एक ऐसा पैसा समझ लिया है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपने राज की चिंता आ रही है तो हमें बता सकते हो। हरिश्चंद्र बोले, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है, तुम भोजन नहीं करते हो? करता हूँ महाराज, अपने मालिक तक को नहीं बताया कि मैं भोजन करता हूँ, अन्यथा नहीं। महाराज, मालिक के साथ में अगर नौकर रहता है तो उसे वफादारी करने का हक होता है। तो आज हरिश्चंद्र अपने कालू नाम के मेहतर के साथ में कैसे वफादारी निभा रहे हैं, सोच रहे हैं मन में